फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिम्फनी, आ गई हूँ आज आपके लिए एक बढ़िया वाला वीडियो लेके। तो ये जो वीडियो है, ये मेरा एक रीसेंट परचेज के ऊपर एक रिव्यू का वीडियो होने वाला है। एंड ये जो वीडियो मैंने बनाया है ना, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने अपने पैसे से भाई ख़रीदा है इसको। एंड बहुत दिनों से मैं एक्चुअली मुझे ना बंगाली पोलास वगैरह, ये रेड कलर का जो पोला होता है ना, वो पहनना मुझे बड़ा पसंद है। और आप लोगों ने अगर मेरा गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन देखा होगा तो उसमें भी मेरा बहुत ह्यूज रेंज का ये कलेक्शन है। तो वैसे ही मैंने क्या किया था कि मैं कुछ दिनों से देख रही थी अमेजॉन, रिलायंस ज्वेल्स एंड सेंको वगैरह के जो साइट्स होते हैं ना, वहाँ पर मैं बंगाली वायरल पोला बोल के कुछ एक चल रहा है, वो जो कि लैमिनेटिंग वाला पोला होता है एंड डेली यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसका आजकल इमिटेशन वगैरह भी आने लगा है। तो मैंने क्या किया था ना, मैं बहुत दिनों से सर्च कर रही थी एंड सर्च करते करते यहाँ पर ज्वेलरी शॉप भी जब मैं गई थी लास्ट टाइम, वहाँ पर उन लोगों को पूछा था लेकिन मुंबई में वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया ना, अमेजॉन में सर्च किया एंड अमेजॉन में सर्च करने के बाद मुझे तीन चार ऑप्शंस आए, जैसे कुछ अशोक ज्वेलर्स बोल के थे, हेम ज्वेलर्स बोल के थे एंड एक था सेंको। ये तीन मेनली ये गोल्ड पोला वगैरह बेच, मैंने उनका सेल कर रहे थे मेनली लेमिनेशन वाला पोला। एंड इतने कम रेंज में था ना, पहले तो मेरे को लगा ये गोल्ड प्लेटेड है या गोल्ड है, क्योंकि पता नहीं लगता ना आपको कि ये गोल्ड प्लेटेड है या नहीं है। तो मैंने सोचा कि उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ी तो उसमें उन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया था कि ये 22 कैरेट गोल्ड में बना हुआ है, लेकिन बहुत ही कम वजन के सोने में बना हुआ है। अगर आप इसको ऑर्डर करने के बाद कस्टमाइज़ भी करना चाहते हो, यानी आप अगर थोड़ा ज़्यादा सोना दे के भी इसको करना चाहते हो, तो आप उनको बोल के ये करवा भी सकते हो। वो जो ज्वेलर्स आप लोगों के कॉन्टैक्ट में आएंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो ना, जैसे सेंको वगैरह में आप डायरेक्टली, मैंने ये सेंको से परचेज किया है अमेजॉन के थ्रू से सेंको से, लेकिन उनके जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं उन लोगों ने मेरे को कॉल किया था एंड मेरे को पूछा था कि मैम आप कुछ कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो हम लोग इसको कस्टमाइज करवा देंगे। तो मैंने अपना मुझे लगा कि थोड़ा सोना ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए मैं ये मेनली ना, ये जो पोला होता है ये मेनली 300 से 500 मिली में बनता है, 1 ग्राम का भी नहीं बनता। ये जो दो दो वाला आता है वो भी 1 ग्राम के अंदर 2 हो जाता है। बहुत सारे डिज़ाइन्स आजकल अवेलेबल है, मैं तो 2 वाला भी खरीदूंगी, बहुत सोच के रखा है, क्योंकि मैं ये सब डेली यूज़ करती हूँ नॉर्मली। अब मेरे को, मेरे सारे वीडियोज़ में देखेंगे, मैं ऐसा ही रेड पोला पहनना पसंद करती हूँ एंड हमारे जो ग्लास का बैंगल्स होता है वो पीछे में डालना पसंद करती हूँ। तो वो अच्छा रहता है पहनने में एंड इजी रहता है डेली यूज़ करने में। नॉर्मल गोल्ड के बैंगल्स अगर आप यूज़ करते हो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ना, वो क्या होता है ना, वो घिसने का डर रहता है एंड जो प्योर गोल्ड होता है वो मचक जाता है, पिचक जाता है। तो डर लगता है, इतने कॉस्टली गोल्ड्स वगैरह ख़त्म हो, ख़राब हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो छोड़िए वो सब बात, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है सेंको से। तो मैंने ये अमेजॉन के थ्रू से सेंको से लिया था। ये देखिए इनका बॉक्स कितना ब्यूटीफुल पैकेजिंग में आया है एंड इसको अगर मैं ओपन करूँ तो मैं बैक कैमरा में भी आपको दिखा दूंगी इसका पैकेजिंग वगैरह, ओपनिंग वगैरह वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो ये है वो गोल्ड वाला पोला एंड इसके साथ आपको ये रिसिप्ट मिला हुआ है, ये बिल है उनका, ये बिल है एंड आपको इसके साथ ही एक ऑथेंटिफिकेशन कार्ड भी मिल रहा है। ये देखिए, अगर आप इसको एक्सचेंज करना चाहो तो ये ऑथेंटिफिकेशन कार्ड एंड हॉलमार्क का जो लेवल, ये सारे इसमें अवेलेबल हैं। देखते हो ये 22 कैरेट गोल्ड में है एंड 916 है, गोल्ड पोला बैंगल है,
गोल्ड प्योरिटी भी, सर्टिफिकेट ऑफ प्योरिटी है ये, तो कोई भी इसमें घोटाला नहीं है, जितना मैंने बोला था वही आया हुआ है एंड बिल में भी वो मेंशन। तो ये था कार्ड एंड अभी हम चलते हैं पोला की तरफ। तो पोला का डिजाइन कुछ ऐसा है, ये इसका का जो ऊपर होता है ना ये गोल्ड अंदर में है एंड ये ऊपर का पोर्शन जो होता है वो लैमिनेटेड होता है, तो ये गोल्ड निकलने का कोई डर नहीं रहता। एंड 916 का जो लेवलिंग है यहाँ पर किया गया है, आप लोग देख सकते हो, मैं बैक कैमरा में भी आप लोगों को दिखा दूंगी। तो यहाँ पर ऐसा ये पोला है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, पहनने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, हाथ में बहुत ही ज़्यादा खिलता है ये। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है पहनने में। तो ये मैंने 2-4 साइज का लिया हुआ है पोला, अपने साइज के हिसाब से मैंने लिया हुआ है। एंड गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, ऑनलाइन शॉपिंग मैं पहले भी करती हूँ, ऑनलाइन में शॉपिंग गोल्ड वगैरह, तो मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं लगता। बार बार लोग मेरे सारे जो ऑनलाइन गोल्ड के कलेक्शन वाले वीडियो होते हैं ना, वो सारे वीडियोज़ में लोग मेरे को पूछते हैं कि ये आप इसमें भरोसा कर सकते हो या नहीं, या हम इसमें कैसे भरोसा करें। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपको प्यूरिटी का एक सर्टिफिकेट वो लोग देते हैं ना, तो आप कहीं पर भी जाके उस गोल्ड को टेस्टिंग करवाए उनके कैरेट मीटर से, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जितने वजन का सोना मंगाया हुआ है उतने वजन का सोना पहुंचा है। एंड लेवलिंग का, लेवलिंग के बाद ही, 916 के लेवलिंग के बाद ही वो लोग आपको वो प्योरिटी सर्टिफिकेट देते हैं। तो आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मेरा जो पोला का डिज़ाइन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। हाँ, एंड बहुत लोग इसका प्राइस पूछेंगे, तो अमेजोन में 2-3 ज्वेलर्स हैं, जैसे कुछ हेम ज्वेलर्स बोल के हैं, वहाँ पर ये 2500 में ये पोला आ जाता है, जिसमें कि 300 मिलीज सोना रहता है, यानी दो मिला के 300 मिलीज का सोना रहता है। ये जो पोला मैंने सेनको से लिया है, इसमें 570 मिलीग्राम गोल्ड है, तो इसका प्राइस मेरे को लगभग 3500 के आसपास आया। एंड मेरा कुछ कार्ड में ऑफ़र था, मेरा जो डेबिट कार्ड है उसमें कुछ ऑफ़र था, तो उसमें मेरा सब कुछ कट के मेरा टोटल 3200 मैंने इसके लिए पेमेंट किया, जो कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा है भाई। 3200 रुपीज़ में 22 कैरेट सोना आ रहा है, और आप रेगुलर यूज़ भी कर पा रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आई डोंट थिंक एनी इशू उसमें होना चाहिए, एनी इशू उसमें होगा भी। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा जो पोला का कलेक्शन है, पोला जो न्यू वायरल पोला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो पसंद आएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए